बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ पायलट बनने के स्टेप्स। आप 12th क्लास के बाद ही पायलट बनने के लिए एलिजिबल हैं। आपको बस 12th में साइंस स्ट्रीम लेनी होगी और फिजिक्स और मैथ्स में आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने होंगे। पायलट कोर्स रिसर्च करने से पहले आप पहले देखेंगे कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं। पहले आप क्लास 2 मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे। ये कैसे होगा? ऑनलाइन जाके DGCA वेबसाइट है। DGCA है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। जो सारी एयरलाइंस हैं उनके जो सारे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो होते हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही बताते हैं। वहाँ पर आप डॉक्टरों के नाम देखेंगे क्योंकि सारे डॉक्टर एविएशन मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं होते, तो क्लास 2 डॉक्टर स्पेशली आप उनके पास जाएंगे। 2 दिन का ये प्रोसेस होगा। वो आपकी मेडिकल फिटनेस चेक करेंगे। 1 महीने तक का आपका मेडिकल असेसमेंट आपको वापस आएगा जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। ये हुआ क्लास 2 मेडिकल। इसके बाद आपको क्लास 1 मेडिकल करना होगा जो फाइनली बताएगा कि आप पायलट के लिए एलिजिबल फुल्ली हैं कि नहीं। क्लास 1 मेडिकल आने के बाद 2 तरीके, या तो आप सीधा फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कीजिए जो आपको एग्ज़ाम भी कराएंगे फ्लाइंग भी कराएंगे, या आप फ्लाइंग पहले करना चाहते हैं या आप एग्ज़ाम्स पहले करना चाहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स पहले देना चाहते हैं वो आपको फ्लाइंग स्कूल जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। कुछ लोग अलग से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में द्वारका में काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ट्यूशन टाइप क्लासेस देते हैं। एग्ज़ाम शुरू करने से पहले आपको एक नंबर चाहिए होगा जिसको कहते हैं कंप्यूटर नंबर। उड़ान नाम की वेबसाइट है, उस पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। कंप्यूटर नंबर आने के बाद आपने अपने आप को तैयार करना होगा एग्ज़ाम्स के लिए। CPL कहते हैं इस कोर्स को, कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स। एंड फाइनली इस कोर्स में आपको सारे एग्ज़ाम भी क्लियर करने हैं और 200 घंटे की फ्लाइंग भी चाहिए। एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर सकते हैं पहले, लेकिन इनकी एक्सपायरी डेट है। तो ऐसा ना हो कि आप पहले एग्ज़ाम क्लियर कर ले, 2 साल बाद फिर आप सोचें कि अब मैं फ्लाइंग शुरू करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके एक्सपायर हो जाएंगे, आपको फिर से देने पड़ेंगे। तो जो जनरली एयरलाइंस भी सजेस्ट करती हैं और जो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों साथ साथ करिए। आप ऐसा फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जो आपको एग्ज़ाम्स कराते हैं, जो आपको ग्राउंड क्लासेस भी देते हैं। एग्ज़ाम्स में हमारे जो कोर्सेज होंगे वो होंगे मेट्रियोलॉजी, जो वेदर के बारे में हमें समझाया जाता है क्योंकि पायलट के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बताया जाएगा नेविगेशन के बारे में कि हमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचना है। 3रा जो हमारा होगा वो एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक होगा। टेक्निकल पढ़ाई समझेंगे कि एयरक्राफ्ट का इंजन कैसे काम करता है, क्या उसके पीछे थ्योरी है, कौन सा प्रिंसिपल से एक एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। ये सब पढ़ने के बाद हम आएंगे एयर रेगुलेशन पे। एयर रेगुलेशन मतलब हवा के रूल्स। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं सड़क पे, वैसे हवा में भी रूल्स होते हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो एयर रेगुलेशन हर कंट्री के अलग होते हैं। इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट भी हैं प्राइवेट भी हैं, जिनका रेट पर आवर के हिसाब से अलग होता है। अगर आप एक प्रॉपर CPL कोर्स लेना चाहते हैं उसमें आपकी अकोमोडेशन, उसमें आपका ग्राउंड स्कूल, फ्लाइंग आर्ट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। खर्चा अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख से ये कॉस्टिंग शुरू होती है। इट कैन गो अप टिल 1 करोड़, डिपेंडिंग ऑन आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेल करते हैं और क्या क्या कन्वीनियंस अवेल करना चाहते हैं। जॉब अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर है, उसमें भी सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता। जहाँ आप कैडेट प्रोग्राम के थ्रू जाएँ या आप कोर्स करने के बाद फिर जॉब के लिए अप्लाई करें, जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा दैट इज़ नॉट जस्ट एन इंटरव्यू। उसमें आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी किया जाएगा। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर करने के लिए वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। जो आपका राउंड होता है फर्स्ट राउंड, उसमें तो रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपके 12th के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड राउंड जो होगा ये क्लियर करने के बाद, वो होगा वीडियो गेम टाइप एक टेस्ट। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देखी जाती है, एनालाइज की जाती है कि अगर आपको काफ़ी सारी मल्टीटास्किंग दी जाए तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, अब क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करते हैं। ये सारी चीज़ों पे आपको वो एनालाइज करके आपका असेसमेंट करते हैं, जिसके बाद आप 3रे स्टेज पे पहुंचते हैं जो होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें वो आपसे फेस टू फेस सवाल पूछते हैं। जॉब के लिए कुछ एयरलाइंस पहले से ही कैडेट प्रोग्राम के ऐसे कुछ प्रोग्राम आपको सजेस्ट करती हैं जिनसे आपकी जॉब पहले से ही अश्योर्ड होती है। इसको कहते हैं LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, कि अगर आपने अपना दिया हुआ ये कोर्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ख़त्म किया और सक्सेसफुली सारे चेक्स आपने कंप्लीट करे, तो वो एयरलाइन आपको जॉब देगी।
अगर आपको इस दौरान इस मेथड से नहीं जाना है तो दूसरा तरीका है, जैसे हम नॉर्मली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम ये कोर्स ख़त्म करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी एयरलाइन जॉब्स के लिए लोगों को रिक्रूट कर रही हैं। ये हम ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड आती हैं, एंड ये नॉर्मल तरीका होता है जिसमें इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये सारा कुछ आपके वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, उसी के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि पायलट को डर नहीं लगता, सबको डर लगता होगा, बट पायलट की जो ट्रेनिंग है वो उसी डर को काबू में रखने के लिए की जाती है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो सिमुलेटर बेस्ड भी काफ़ी सारी होती है, जिसमें हमको हर तरीके की इमरजेंसी हैंडल करनी सिखाई जाती है, एंड उस सिमुलेटर में आप काफ़ी सारे घंटे बिताते हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर आपको समझाते हैं सारे नॉर्मल प्रोसीजर और सारे अबनॉर्मल प्रोसीजर। तो जब पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होते हैं हम इमरजेंसीज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट हम सिमुलेटर्स में सारी इमरजेंसीज प्रैक्टिस करते हैं कि जिस दिन एक्चुअल इमरजेंसी हो इन द एयरक्राफ्ट, हमें पता हो एग्जैक्टली क्या स्टेप फॉलो करने हैं और कैसे सब कुछ सही सलामत सही नीचे पहुंचना है। तो अगर आप भी पायलट बनना चाहती हैं तो मैंने आपको बताया पायलट बनने के स्टेप्स, तो चलिए उड़ाइए मेरे साथ।